अगर आप 16 मटर प्रैक्टिस की शुरुआत करना चाहते हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रैक्टिस किस तरह स्टार्ट करूँ, अगर आप बिल्कुल नए हो, आपने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो दोस्तों आप ग्राउंड पर आते समय रोज़ रनिंग करते हो, भागते हो भागते हो, भागने के सिवा कुछ नहीं करते, और उसके बाद हम बड़े बड़े जंप लगाते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपका इम्प्रूव होगा नहीं, बल्कि आपकी इंजरी बढ़ेगी, उसमें आपका शिन पेन होगा, नी प्रॉब्लम होगा, बैक पेन होगा। तो दोस्तों ऐसा प्रैक्टिस करना ही नहीं है, आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करना है। और हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम आज के वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखो तभी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप 16 मटर प्रैक्टिस की शुरुआत कर रहे हो, तब आपको दोस्तों हार्ड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें 1 या 2 वीक तक हमें नॉर्मल एक्सरसाइज करना है, नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है। उसमें हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, देखो हम जब ग्राउंड पर आते हैं तब हमें स्टार्टिंग में थोड़ी लाइटली स्ट्रेचिंग करना है। दोस्तों हमें अपर और लोअर बॉडी का अच्छे से स्ट्रेचिंग करना है, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से वार्म होने के लिए रेडी हो जाए। दोस्तों आपको इस तरह से प्रैक्टिस की शुरुआत करनी है। आप अच्छे से देख लो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। उसके बाद हम 10 या 15 मिनट स्लो जॉगिंग करना है आपको। दोस्तों ये कंपल्सरी रोज़ करना है हमें। दोस्तों 1 या 2 वीक तक ये कंपल्सरी करना ही है, जिससे आपका स्टैमिना इंक्रीज़ हो जाए और आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाए, फिर आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। हमें स्टैंडिंग वार्म अप एक्सरसाइज करना है, उसमें हम स्टैंडिंग ए स्किप लगाएंगे, फिर फ्रंट किक करेंगे, फिर साइड को जंप लगाएंगे। इस तरह से आप कर सकते हो। आप अच्छी तरह से देख लो, आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों ये सभी वार्म अप एक्सरसाइज, मैं जो भी एक्सरसाइज बताता हूँ आपको, ये 1 या 2 हफ्ते तक करना है, जिससे आपकी बॉडी एक अच्छा वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाए, और इससे आपको इंजरी भी नहीं होगी, आप अच्छी तरह से वर्कआउट कर सकते हो। आप अच्छे से देख लो तभी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। फिर वार्म अप एक्सरसाइज होने के बाद हमें 15 मीटर में एबीसी एक्सरसाइज करना है, उसमें हम ए स्किप लगाएंगे। ए स्किप लगाते समय दोस्तों आपका जो नी है उसे चेस्ट की तरफ खींचना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है, इस तरह से करना है। और फिर हमें 10 मीटर नॉर्मल जॉग करना है। उसके बाद हम बी स्किप करेंगे, हमारा जो नी है उसे फोल्ड करके हमें आगे की तरफ फेंकना है, इस तरह से। फिर हमें नॉर्मल जॉग करना है। उसके बाद हम हॉबिंग करेंगे। फिर हमें फ्रंट किक लगा के हमें नीचे क्लैप करनी है। हमें हमारा जो नी है उसको फोल्ड नहीं करना है, हमें हमारा जो लेग है उसको स्ट्रेट ही रखना है। फिर हम हाई नी करेंगे। हाई नी करते वक्त हमें 90 डिग्री तक हमारा जो नी है उसको उठाना है। हम मीडियम स्पीड से करेंगे, हमें ज़्यादा स्पीड नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपकी इंजरी हो जाए, आपको अच्छे से करना है। फिर हम बैक नी करेंगे। बैक नी करते इस वक्त हमें पीछे फट की करना है। फिर लंजेस करेंगे। लंजेस करते वक्त हमें हमारा जो नी है उसकी थोड़ा उठा कर 90 डिग्री तक रखना है, इस तरह से आपको करना है। फिर हम लास्ट करेंगे फुट टैपिंग, नी को थोड़ा बेंड करके और लेग स्ट्रेट करके हमें फुट टैपिंग करना है। फिर उसके बाद हम 80 मीटर में 3 स्ट्राइड लगाएंगे, वो भी 80% से। 80% से हम 3 स्ट्राइड लगाएंगे, हमें थोड़ा नी उठा के डालना है। अब हमें रिलैक्स स्ट्राइड लगाना है, ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर ये सभी एक्सरसाइज होने के बाद हमें स्ट्रेचिंग करना है। हमें वर्कआउट करने के बाद हमें इस तरह से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हमें बॉडी अच्छे से स्ट्रेच करना है। वीडियो में देख सकते हैं आप मैं किस तरह से कर रहा हूँ।
और दोस्तों ये सभी एक्सरसाइज आपको 2 वीक तक करना है, जिससे आप अच्छे से वर्कआउट भी करोगे आपकी और आपकी इंजरी भी नहीं होगी।